सुल्तानगंज श्रावणी मेला के 20वें दिन भागलपुर के सुल्तानगंज फतेहपुर स्थित गनगनिया पुलिया पर बड़ा हादसा हो गया। घटना में कई लोग बाल बाल बच गए। इस दौरान घटनास्थल पर अफरा तफरी मची रही। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक गनगनिया पुलिया को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। वहीं घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिया टूटने के साथ ही भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर घंटों आवागमन ठप हो गया है। वहीं जाम की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज BDO CO और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस अधिकारी व कर्मियों के सहयोग से जाम को हटाया गया और सड़क को वन वे कर धीरे धीरे वाहन को पास कराया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को जाम हटाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक प्रतिनिधि संजय कुमार मंडल ने अपने निजी खर्च से पुलिया की मरम्मत कराई, जिसके बाद आवागमन सामान्य हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व से ही पुलिया क्षतिग्रस्त थी, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों को आवेदन देकर इसे ठीक कराने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आज कई कांवरिया बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। रात से हुआ है, अब जेसीबी काम नहीं किया, दूसरा आ रहा पुलिस लाइन से। जी जी, तो यहाँ जाम की समस्या हुई थी? जाम की समस्या तो ऑनलाइन माने वन वे करके अति दूर कर रहे हैं हम लोग, सुबह से लगे हुए हैं 5 बजे से। यहाँ घटना होने का वजह है कि छोटी पुलिया है, इसका जो चौड़ीकरण बहुत सकरा है, जिसके कारण अगर बायफोर्स गाड़ी चलती है तो ओवरटेक के दौरान जो है ये घटना होते रहते हैं। इसके पहले भी एक हैवा जो है रेलिंग को तोड़ते हुए बिजली खंभा को तोड़ करके आगे जो है पलट गई थी, जिनके कारण विधायक द्वारा जो है DM को सूचना दिया गया था। उसके बीच मेरे द्वारा इस पुल को जो है रेलिंग बनवाने का काम किया गया था। 20 दिन पहले की घटना है, 20-25 दिन पहले की घटना है। पुनः रात में 1 बजे जो है इसको एक गाड़ी जो है रेलिंग को तोड़ते हुए आधा लटकी हुई है, जिसके कारण वन वे रोड हो गया है और सावन के दिन घंटों जाम लग रही है। सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर रविवार को हजारों की संख्या में डाक कांवरिया एवं पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर एवं जलपात्र में गंगा जल भरकर अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरा सुल्तानगंज हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं झारखंड धनबाद के डाक कांवरिया हरनाथ ओझा ने बताया कि वर्ष 1997 से ही प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने देवघर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जिसको लेकर डाक कांवर चढ़ाने का सिलसिला अनवरत जारी है। वहीं मधुबनी के धीरज झा ने कहा कि कोरोना में बाबा भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पाए थे, लेकिन कोरोना महामारी खत्म होने के बाद शिवरात्रि में अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं यूपी बंगाल नेपाल से आए कंवरियों ने बताया कि मलमास सावन में अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम की पैदल यात्रा करते हैं। डाक कंवरियों की भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंवरिया लोग बहुत से हैं। फिर भी कुछ डाक कंवरिया जिनकी भगवान में पूर्ण आस्था, वे अब भी जा रहे हैं। मलमास भी है, मलमास जिसे कहिए, आय शुभ मास जिसे कहिए, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है। इस महीने में पूजा का सर्वोत्तम शुभ लाभ प्राप्त होता है। सब उन्हीं का दिया हुआ क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं इस बार बाबा के दरबार? ये तो हम लोग के मन के अंदर है, बाबा जब पूरा करेंगे तो फिर बताया जाएगा। पैदल यात्रा नहीं, हम लोग अपने साधन से। भागलपुर शहर में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को तिलकामांझी चौक पर ई रिक्शा चालकों के लिए पिकअप वो ड्रॉप पॉइंट बनाया गया। वहीं सिग्नल लाइट के बगल से ई रिक्शा के परिचालन के लिए बाईपास सड़क बनाई गई है, जो रेड लाइट के बगल से गुजरेगी। अक्सर ई रिक्शा चालक बीच सड़क पर ही सवारी को उतारने और चढ़ाने का काम करते हैं, जिसको लेकर अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं इस समस्या को दूर करने के लिए तिलकामांझी चौक से इसकी शुरुआत की गई है और शहर के कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्था करने का भी प्लान बनाया गया है। अधिकारियों
उन्होंने कहा कि अभी 7 दिनों तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। डाइवर्जन हम लोगों ने प्लान किया तो चूँकि एक जगह सब जगह शुरुआत करने में कुछ समस्याएँ आई, हम लोग इसको ट्रायल मोड से देख रहे हैं 7 दिनों में कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद हम लोग जो बाकी ड्रॉप पॉइंट जो डिसाइड किया गया। आज तिलका माझी में चेक किया जाए, तिलका माझी में अभी हम लोग एक वीक तक देखेंगे, उसके बाद बाकी और कहाँ कहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेशन है या फिर मनाली चौक है, इसके अलावा अश्वरोही है, तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया 4-5 ड्रॉप पॉइंट रामनगर में भी एक ड्रॉप पॉइंट, वहाँ पर सारे जगह पर 7 दिनों के बाद होगा। इससे ट्रैफिक का लोड कम, हाँ थोड़ा सा डाइवर्ट होगा तो ड्रॉप पॉइंट भी रहेगा, लोग यहाँ पर जिनको चढ़ना उतरना है यहाँ पर उतर सकते हैं। आगामी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को तिलका मांझी स्थित विवाह भवन में चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता भागलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने की। बैठक को लेकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार बूथ को मजबूत करने के साथ नए वोटरों को जोड़ने का काम करेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। भागलपुर विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक है, अब पूर्णतः यह कामकाजी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे के आधार पर ही चुनाव लड़ती है। आज की इस बैठक में हमारा जो शक्ति केंद्र है, हमारी जो बूथ कमेटी है, तो आज की बैठक के बाद शक्ति केंद्र पर भी हमारी बैठकें होंगी। उसकी रणनीति, उस बैठक को लेने के लिए कौन लोग जाएंगे, ऐसे भागलपुर विधानसभा में 26 शक्ति केंद्र हैं, उन 26 शक्ति केंद्रों पर यहाँ से तय होंगे। और जो विधानसभा की कोर कमेटी है, विधानसभा के अंदर जो जिला अधिकारी हैं, मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनको तय करके हम लोग भेजेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर इकाई के बैनर तले रविवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड योगा केंद्र पर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भागलपुर जिला इकाई के लगभग सभी शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में वेतन विसंगति एवं केस सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर भागलपुर इकाई के अध्यक्ष अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि हम लोग सरकार से आग्रह और विनती करके थक चुके हैं, अब आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों में मुख्य मांग वेतन विसंगति है, जिसको लेकर आगामी 25 तारीख को सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच वार्ता होने वाली है। उस वार्ता में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनिदेशक को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अभय मिश्रा ने कहा कि वेतन विसंगति को लेकर बिहार के कई गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण अब सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। बिहार के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक प्रदेश कमेटी के जिला इकाई हमारे भागलपुर संघ के द्वारा आज जो हम लोगों की ये बैठक है, ये सरकार से एक अब आंदोलन का हमारा जो है मूड बनता जा रहा है, क्योंकि आग्रह विनती कर करके हम लोग अब थक गए हैं। लगभग 1 साल हो गया है और हमारी मांग को सरकार अनसुना कर रही है, एक बार भी देखने या सुनने को तैयार नहीं है। आज सरकार हर एक तरीके का प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिर भी हर शिक्षक के साथ बैठक करने जा रही है। 25 को अनुमानित है कि पटना में सभी शिक्षक संघ का बैठक होगा, उस बैठक में हमें शामिल किया जाए। एक तो सबसे प्रथम आज हमारी मांग ये है कि जो पटना में सभी शिक्षक संघ की बैठक होनी है, उस बैठक में हमें शामिल किया जाए। और हमारा जो निरंतर पिछले आज 1 वर्षों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी वेतन विसंगति को लेकर के, जिसे लेकर के हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जो है आपके कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा अभी एक आवेदन भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इनके वेतन विसंगति को दूर किया जाए, इन्हें भी नियोजित शिक्षक का दर्जा दिया जाए, समान इनका भी वेतन हो, समान कार्य हो, पूर्णकालिक का हमारा समय हो। भागलपुर के जगदीशपुर थाना परिसर में रविवार को थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष ने कहा कि मुहर्रम के दौरान डीजे पर पूरी तरह से
पाबंदी रहेगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान उपद्रव मचाने वाले एवं असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। थाना अध्यक्ष ने शराब पीने और बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने की बात कही। बैठक में राबिया खातून, विनोद यादव, मुखिया शहबाज आलम, मोहम्मद अकबर, शत्रुघ्न कुमार, शंकर पासवान, फरहान सहित कई लोग मौजूद थे।